हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑल अबाउट जॉब्स में। फ्रेंड्स, आज का जो वैकेंसी है वो सीएमटीआई की तरफ से निकल कर आ रही है, परमानेंट गवर्नमेंट जॉब है, जिसमें आप लोग को सैलरी 1,02,501 पर मंथ मिल जाएगी। इसमें ऑल ओवर इंडिया किसी भी स्टेट से आप लोग बिलोंग करते हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसीड्यूर एंड एप्लीकेशन प्रोसीड्यूर सब कुछ मैं वीडियो में आगे जाकर डिस्कस करूंगा, तो वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट तक देखिएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ। तो फ्रेंड्स, ये है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो आप लोग देख पा रहे हो कि सेंट्रल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट की तरफ से निकल कर आ रही है, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आती है। तो फ्रेंड्स, नोटिफिकेशन स्टार्ट करने से पहले अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि आप लोगों को आने वाले सारी अपडेट मिल सके। और वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ थोड़ा शेयर भी कर दिया करो यार, ताकि हमें मोटिवेशन मिले ऐसे अच्छे अच्छे नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए लेके आने के लिए। और टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होकर के रखिए जॉब के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं डिटेल्स नोटिफिकेशन की। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल, ये एक परमानेंट जॉब है, कोई भी कॉन्ट्रैक्चुअल या तो टेम्पोरारी जॉब नहीं है। डिटेल्स पोस्ट की बात करें तो फ्रेंड्स, यहीं पे साइंटिस्ट बी पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 13 है, जिसमें आप लोग को सैलरी लेवल 10 के हिसाब से यानी कि 56,100 से लेके 1,77,500 पर मंथ मिल जाएगी। और उसके साथ साथ आप लोग अलाउंसेस वगैरह भी प्रोवाइड किया जाएगा, और अलाउंसेस ऐड करने के बाद आप लोग को टोटल सीडीसी 1,02,501 पर मंथ मिल जाएगी। इसमें अप्लाई करने के लिए जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 32 इयर्स रखा गया है। इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, और इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन के लिए लास्ट डेट रखा गया है 5 फरवरी 2023, और एप्लीकेशन फॉर्म का हार्ड कॉपी सबमिशन के लिए लास्ट डेट रखा गया है 21 फरवरी 2023। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो फ्रेंड्स, यहीं पे फर्स्ट पोस्ट है साइंटिस्ट बी मैकेनिकल के लिए, जिसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग मैकेनिकल मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, मेकाट्रॉनिक्स, कैट कैम, मशीन डिजाइन, एरोस्पेस और कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग डिसिप्लिन में से 4 साल का बीबीटेक या तो 2 साल का मास्टर्स किए हो तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। इसमें अप्लाई करने के लिए आपके बीबीटेक और एमईएमटेक में मिनिमम 60% मार्क्स होनी चाहिए। अगर आप लोग बीबीटेक किए हो तो उस केस में मिनिमम 2 ईयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, और अगर आप लोग एमईएमटेक किए हो तो उस केस में मिनिमम 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें तो फ्रेंड्स, यहीं पे नेक्स्ट पोस्ट है साइंटिस्ट बी इलेक्ट्रिकल के लिए, जिसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, एम्बेडेड सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम, इंस्ट्रूमेंटेशन, पावर सिस्टम, कंप्यूटर विजन एंड इमेज प्रोसेसिंग, मेकाट्रॉनिक्स, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, सिग्नल प्रोसेसिंग और रिलायबिलिटी इंजीनियरिंग में से 4 साल का बीबीटेक या तो 2 साल का एमईएमटेक किए हो तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। और उसके साथ इसमें अप्लाई करने के लिए आपके बीबीटेक और एमईएमटेक में मिनिमम 60% मार्क्स होनी चाहिए। अगर आप लोग बीबीटेक किए हो तो उस केस में मिनिमम 2 ईयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, और अगर आप लोग एमईएमटेक किए हो तो उस केस में मिनिमम 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट है साइंटिस्ट बी कंप्यूटर साइंस के लिए, जिसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप लोग कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर विजन एंड इमेज प्रोसेसिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, डेटा साइंसेस और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में से 4 साल का बीबीटेक या तो 2 साल का एमईएमटेक किए हो तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आप लोग बीबीटेक किए हो तो उस केस में मिनिमम 2 ईयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, और अगर आप लोग एमईएमटेक किए हो तो उस केस में मिनिमम 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। उसके अलावा अगर आप लोग एमसीए किए हो तो भी इसके लिए एलिजिबल हो, इसमें अप्लाई कर सकते हो, बट उस केस में मिनिमम 2 ईयर्स का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। हर एक केस में अप्लाई करने के लिए आपके बीबीटेक, एमसीए और मास्टर्स में मिनिमम 60% मार्क्स होनी चाहिए। बेसिक पे के साथ साथ आप लोग अलाउंसेस वगैरह भी प्रोवाइड किया जाएगा, जिसका टाइटल्स यहीं पे मेंशन है, तो आप लोग आपके हिसाब से चेक कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप लोग एससी, एसटी, ओबीसी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हो तो उन लोगों को एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स एज रिलैक्सेशन मिल जाएगी। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो फ्रेंड्स, सिलेक्शन प्रोसीड्यूर में आपके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करके आप लोग को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। अगर आप लोग उसमें शॉर्टलिस्ट होते हो तो उसके बाद आप लोग को रिटेन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। अगर आप लोग रिटेन टेस्ट में क्वालिफाई करोगे तो उसके बाद होगा इंटरव्यू, और अगर आप लोग इस दोनों स्टेज में क्वालिफाई करते हो तो उसके बाद आप लोग का सिलेक्शन यहीं पर हो जाएगी। वेटेज की बात करें तो फ्रेंड्स, यहीं पर आप लोग का जो रिटेन टेस्ट होगा वो 80 मार्क्स का होगा, और इसमें आप लोग को मिनिमम 35 मार्क्स लाना होगा रिटेन टेस्ट में क्वालिफाई करने के लिए। उसके अलावा आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस का जो भी मार्क्स है उसके बेसिस पे आप लोग को मैक्सिमम 5 मार्क्स प्रोवाइड किया जाएगा, जिसका डिटेल्स यहीं पे मेंशन है, तो आप लोग आपके हिसाब से चेक कर सकते हो। उसके बाद आपके एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करके आप लोग को मैक्सिमम 5 मार्क्स प्रोवाइड किया जाएगा।
उसके बाद टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के ऊपर डिपेंड करके आप लोग को मैक्सिमम 5 मार्क्स प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद अगर कोई भी एडिशनल स्किल सेट है उसके बेसिस पे आप लोग को मैक्सिमम 5 मार्क्स प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप लोग इसमें क्वालिफाई करोगे तो उसके बाद होगा आप लोग का इंटरव्यू, और अगर आप लोग इस दोनों स्टेज में क्वालिफाई करोगे तो उसके बाद आप लोग का सिलेक्शन यहीं पर हो जाएगी। इसमें अप्लाई करने के लिए आप लोग को इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसी वेबसाइट विजिट करके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके सबमिट करना होगा। इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन के लिए लास्ट डेट आ गया है 5 फरवरी 2023। एप्लीकेशन फी की बात करें तो फ्रेंड्स यहीं पे जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए 750 रुपीज़ एप्लीकेशन फी रखा गया है, और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपीज़ एप्लीकेशन फी रखा गया है। एप्लीकेशन फी आप लोग बैंक ट्रांसफर, नेट बैंकिंग या तो एनईएफटी के थ्रू पे सबमिट कर सकते हो। बैंक अकाउंट का डिटेल्स यहीं पे मेंशन है तो आप लोग आपके हिसाब से चेक कर सकते हो। उसके अलावा अगर आप लोग यूपीआई से सबमिट करना चाहते हो तो भी आप लोग कर सकते हो। क्यूआर कोड का डिटेल्स यहीं पे मेंशन है। उसके अलावा अगर आप लोग डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू पे सबमिट करना चाहते हो तो भी आप लोग कर सकते हो। डिमांड ड्राफ्ट का डिटेल्स यहीं पे मेंशन है तो आप लोग आपके हिसाब से चेक कर लेना। इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन फी सबमिशन के लिए लास्ट डेट आ गया है 5 फरवरी 2023। अगर आप लोग डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू पे सबमिट करते हो तो उस केस में आपका जो एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट है उसके बैक साइड में आपको आपका नेम, आपका एप्लीकेशन आईडी, आपका कैटेगरी और आप लोग जो भी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो उसका नेम आप लोग को मेंशन करना होगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद आप लोग को उसको प्रिंट आउट करना है, और प्रिंट आउट करने के बाद उसके साथ आपको जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस का मार्कशीट्स और सर्टिफिकेट्स है उसका सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, उसके साथ आपका कोई भी गवर्नमेंट आईडी प्रूफ का सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, उसके अलावा अगर आप लोग एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट्स हो तो उन लोगों के लिए कास्ट सर्टिफिकेट का सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए इनकम सर्टिफिकेट का सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, उसके साथ अगर आप लोग का कोई भी पब्लिकेशंस या तो रिसर्च पेपर है तो उसका प्रिंट आउट, और उसके साथ आपके एप्लीकेशन फी का जो रिसिप्ट है उसका कॉपी, ये सब डॉक्यूमेंट्स का सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज आप लोग को उस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अटैच करके एक एनवेलप बनानी पड़ेगी, और उस एनवेलप के ऊपर आप लोग को मेंशन करना होगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, आप लोग जो भी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो उसका नेम, और उसके बाद पोस्ट कोड आप लोग नोटिफिकेशन में से मिल जाएगी, और उसके बाद एडवर्टाइजमेंट नंबर भी आप लोग को नोटिफिकेशन में से मिल जाएगी, और ये मेंशन करने के बाद आप लोग उस एनवेलप को इसका जो ऑफिशियल एड्रेस है इसमें मेंशन दे, आप लोग को उसी एड्रेस पे 21 फरवरी 2023 से पहले स्पीड पोस्ट या तो रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू पे सेंड करना होगा। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो फ्रेंड्स इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, और इसमें ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन के लिए लास्ट डेट आ गया है 5 फरवरी 2023, और एप्लीकेशन फॉर्म का हार्ड कॉपी सबमिशन के लिए लास्ट डेट आ गया है 21 फरवरी 2023। तो फ्रेंड्स देखिए इसका टाइटल्स नोटिफिकेशन, नेक्स्ट में आप लोगों को दिखाया था उसमें ऑनलाइन अप्लाई कैसे करना है। तो फ्रेंड्स देखिए इसका ऑफिशियल वेबसाइट और ये इस नोटिफिकेशन टाइटल्स जो आप लोग देख पा रहे हो, इसमें अप्लाई करने के लिए फर्स्ट आप लोग को क्लिक हेयर फॉर इंस्ट्रक्शन ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आप लोग को थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है, और उसके बाद आई हैव रीड एंड एक्सेप्टेड ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोग को क्लिक हेयर फॉर फ्रेश एप्लीकेशन ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आप लोग के सामने इस तरह के इंटरफेस ओपन हो जाएगी, जिसमें फर्स्ट आप लोग जो भी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो वो आप लोग को ऐसे चूज करना है। उसके बाद अगर आप लोग डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स हो तो उस केस में यस कर सकते हो, नहीं तो नो कर सकते हो। उसके बाद आपको आपका नेम फिल करना होगा। नेक्स्ट आपको आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस विद पिन कोड आप लोग को यहीं पे फिल करना है। उसके बाद आपको आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यहीं पे फिल करना होगा। नेक्स्ट आपको आपका डेट ऑफ बर्थ यहीं पे फिल करना है। फिल करते एज यहीं पे ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी। उसके बाद आपको आपका जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ, आपका डोमिसाइल स्टेट यहीं पे फिल करना है। उसके साथ आपको आपका कंट्री भी यहीं पे फिल करना होगा। नेक्स्ट आपको आपका डोमिसाइल स्टेट, आपका डोमिसाइल प्लेस और डोमिसाइल कंट्री यहीं पे फिल करना होगा। उसके बाद अभी आप लोग जो भी सिटी में काम कर रहे हो तो उसका डिटेल्स आप लोग को यहीं पे फिल करना है। उसके साथ आपको आपका पीरियड ऑफ स्टे यहीं पे फिल करना होगा। उसके साथ आपको आपका मेरिटल स्टेटस, आपको नेशनलिटी और रिलीजन यहीं पे फिल करना है। उसके साथ आपको आपका लैंग्वेजेस का टाइटल्स यहीं पे फिल करना होगा। नेक्स्ट आपको आपका फादर्स नेम और मदर्स नेम यहीं पे फिल करना है। उसके साथ आपको वो कैटेगरी यहीं पे फिल करना होगा। उसके अलावा अगर आप लोग एक सर्विसमैन कैंडिडेट्स हो या तो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हो तो उसका टाइटल्स आप लोग यहीं पे फिल कर सकते हो। उसके साथ आपको आपका हाइट, आपका वेट और ब्लड ग्रुप यहीं पे फिल करना होगा, और उसके बाद आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस का जो भी डिटेल्स है वो आप लोग को यहीं पे फिल करना होगा। उसके अलावा अगर आप लोग कोई भी जर्नल्स या तो कॉन्फ्रेंस अटेंड किए हो तो उसका टाइटल्स आप लोग यहीं पे फिल कर सकते हो। और उसके बाद आपको आपको एक्सपीरियंस का डिटेल्स यहीं पे फिल करना होगा। और उसके बाद आपको आपका एप्लीकेशन फी का जो डिटेल्स है वो आप लोग यहीं पे फिल करना है। और उसके बाद अगर आप लोग कोई भी रेफरेंसेस वगैरह देना चाहते हो तो उसका टाइटल्स आप लोग यहीं पे फिल कर सकते हो।
और ये सब इन्फॉर्मेशन आप लोग को अच्छे से फिल करने के बाद डिक्लेरेशन ऑप्शन पे क्लिक करना है और उसके बाद आपको आपका प्लेस यहीं पे फिल करना होगा और उसके बाद आपको आपका फोटोग्राफ का जो स्कैन कॉपी है वो आप लोग यहीं पे अपलोड करना है। उसके साथ आपको आपका डॉक्यूमेंट्स का जो भी स्कैन कॉपीज है वो आप लोग यहीं पे अपलोड करना होगा और अपलोड करने के बाद आप लोग को सेव ऑप्शन पे क्लिक करना होगा और उसके बाद प्रीव्यू ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप लोग को एप्लीकेशन फॉर्म को एक बार अच्छे से चेक कर लेना है और चेक करने के बाद सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आप लोग को एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी और उसके बाद अगर आप लोग लॉगिन करना चाहते हो तो उस केस में आप लोग को एप्लीकेंट लॉगिन ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। क्लिक करने के बाद आपको आपका एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड यहीं पे फिल करने के बाद सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म का जो सॉफ्ट कॉपी है वो आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। एप्लीकेशन आईडी आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपकी ईमेल आईडी या तो मोबाइल नंबर पे मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स देखिए इसका कंप्लीट डिटेल्स नोटिफिकेशन और फॉर्म फिलअप का डिटेल्स। आई होप आप लोगों को हर एक इन्फॉर्मेशन समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट्स है तो क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन का PDF मेरा टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, आप लोग वहां से चेकआउट कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक और इसमें अप्लाई करने का लिंक आप लोग को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगी। आप लोगों में से कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर रहे हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, आपका डिग्री एंड डिसिप्लिन कमेंट में जरूर मेंशन करना था, आने वाले वीडियो में आप लोग के लिए जॉब अपडेट्स लेके आ सकूं। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आप लोग को आने वाले सारी अपडेट मिल सके। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले ऐसे अच्छे अच्छे नोटिफिकेशन आप लोगों के लिए लेके आने के लिए। तो बस आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे एक नया जॉब नोटिफिकेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।